हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5, रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। ऑन 23rd मार्च व्हेन द मार्टियर्स डे वाज देयर, दैट टाइम इन द स्कूल द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन। एंड दैट टाइम द टीचर एंटर द क्लास एंड टीचर रिसाइटेड द वर्सेस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन दैट वी स्टडीड अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज। द फर्स्ट वन वॉज वासुदेव बलवंत फड़के। ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ओके, इवन ही वॉज डिक्लेयर्ड वॉन्टेड ऑल्सो विथ अ बाउंटी ऑफ 4,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट वीर सावरकर एंड देन वी स्टडीड अबाउट खुदीराम बोस एंड राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द न्यू पर्सन हुज नेम वॉज अशफाकउल्लाह खान। अशफाकउल्लाह खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अशफाकउल्लाह खान, बाय द नेम वी कैन नो दैट द अशफाकउल्लाह खान वॉज मुस्लिम पर्सन एंड राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हिंदू। They both were friends from the childhood, and this way they set an example of Hindu-Muslim unity. Being a Hindu and Muslim, they both were friends and they both unitedly fight with the British government. He was an expert in horse riding and shooting. Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan both. They both actively took part in the loot case or the robbery. Okay, so Ashfaqullah Khan जो थे वो horse riding and shooting में expert थे, and because of that he had prevented the attack on Arya Samaj temple in Shahjahanpur. Shahjahanpur में जो आर्य समाज temple है उसके ऊपर जो attack हुआ, वो attack से उन्होंने आर्य समाज temple को prevent किया, प्रोटेक्ट किया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द मणिपुरी ट्रेन रॉबरी कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज काकोरी कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा प्लान करना, प्लानिंग करना। तो जो काकोरी लूट केस या काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई एंड मणिपुरी ट्रेन रॉबरी जो हुई, वो दोनों ही रॉबरी में वो इन्वॉल्व थे। He too was hung in the prison on the same day as Ram Prasad Bismil. We can see the best example of the friendship over here, that both was, they both were revolutionary, they both took actively part in the revolutionary activities and they both hung on the same day. Means ye bhi saath mein aur mare bhi saath mein, aur country ke liye fight bhi saath mein ki. नाउ हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये लोग रिवॉल्यूशनरी थे, दे वर फाइटिंग फॉर द कंट्री, देन वाई दे वर लूटिंग और दे वर रॉबिंग द ट्रेन्स। वो ट्रेन को रॉब क्यों करते थे? तो सो द आंसर इज कि इंडियन पीपल, हमारी जितनी भी वेल्थ थी, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी थी, वो तो ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर ली थी। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, एनेक्शन पॉलिसी, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड थिंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स थे, जो अभी ओल्ड हो चुके हैं, बट उस टाइम पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स थे। हमारे पास तो ऐसे कोई वेपन्स भी नहीं थे। सो जो ट्रेन जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी होती थी, वेल्थ होती थी, उससे वो रॉब करते थे। बाय दैट दे कैन मैनेज वेपन्स, वो वेपन्स को मैनेज कर सके। वेपन्स लेने के लिए भी पैसे तो चाहिए, हेल्प हमें कोई कर देगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई कुछ भी नहीं देगा। सपोर्ट देने के लिए रेडी है, लेकिन वेपन्स जो है वो इतने चीप नहीं होते कि कोई भी हमें इजीली प्रोवाइड कर दे। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स
दे रॉब मणिपुरी ट्रेन एंड ऑल्सो काकोरी ट्रेन. काकोरी जो है वो प्लेस का नेम है, स्टेशन का नेम है जहाँ पर ट्रेन पास होती है. दीज आर द वर्ड्स ऑफ अशफाक उल्ला खान. कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये. आरजू मीन्स विश. आई एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस वीडियो. कुछ आरजू नहीं है मीन्स आई डोंट विश एनीथिंग. मेरी और कोई विश नहीं है. ओनली वन एंड ओनली द विश इज दैट. रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में. रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में, मतलब कि जब मेरी डेथ हो जाए, जब मैं मर जाऊँ, तब कोई मेरे कफन में. कफन मीन्स द क्लोथ जो डेड बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कफन. तो उसके अंदर कोई मेरे वतन की मीन्स के मेरे इंडिया की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको अंदर रख दे. मतलब मैं मरूँ तो उसमें ही जाऊँ, उसी में मरूँ. वॉट अ ग्रेट पीपल देवर कि हमारे लिए उन्होंने फाइट की, हमारे लिए उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की, और बदले में वो हमसे कुछ भी डिमांड करके नहीं गए. उनको सिर्फ क्या चाहिए, ओनली दैट के इंडिया एक यूनाइटेड नेशन रहे, इंडियन पीपल यूनाइटेडली रहे. सो दिस वर द वर्ड्स ऑफ द अशफाक उल्ला खान. नाउ चंद्रशेखर आज़ाद, वी ऑल नो हिम, है ना? हम सब चंद्रशेखर आज़ाद को तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बट क्या हमको उनका रियल नेम पता है? बिकॉज हम तो उनको आज़ाद ही कहते हैं. आज़ाद का मीनिंग होता है फ्री. आज़ाद मीन्स फ्री, जो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, किसी की स्लेवरी में नहीं है. वाई वी कॉल हिम आज़ाद, हम उन्हें आज़ाद क्यों कहते हैं? सो द आंसर इज हियर. फर्स्ट वन, दैट हिज रियल नेम वॉज, चंद्रशेखर आज़ाद का रियल नेम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, हु बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 में उनका बर्थ हुआ था. ऑन 23 जुलाई कहाँ पर? सो इन अ भावरा विलेज ऑफ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. He was born in Madhya Pradesh. He received a preliminary education. Preliminary education मतलब beginning का जो education है वो उनको काशी से मिला, मतलब काशी में उन्होंने study की. He was a nationalist since the childhood. छोटे से बच्चे थे तब से वो nationalist थे, मतलब उनके अंदर जो patriotism की feeling जो थी, देशभक्ति की जो feeling थी, वो childhood से थी. चंद्रशेखर पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. चंद्रशेखर जो थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हम स्टडी कर चुके हैं इन चैप्टर द फॉलोइंग महात्मा पार्ट 1 एंड 2, सो वो मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. व्हेन ही वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज सो यंग दैट द पुलिस डिड नॉट हैव हैंडकफ्स ऑफ हिज साइज. सी, जब पहली बार उनको पुलिस ने अरेस्ट किया तब वो इतने छोटे थे कि पुलिस वालों के पास उनकी साइज के हैंडकफ आप समझते हो ना, जो पुलिस वाले पहनाते हथकड़ी जिसे कहते, हैंडकफ्स भी नहीं थे. नाउ यू कैन इमेजिन कि वो कितनी छोटी एज के होंगे और कितने पतले होंगे कि उनकी साइज के हैंडकफ नहीं थे. और ये एज पर उन्होंने एज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन की थी. इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज नेम, इन द कोर्ट व्हेन ही वाज आस्क्ड मीन्स उनको जब उनका नाम पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, ही रिप्लाइड, ही सेड आज़ाद. उन्होंने अपना नेम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी नहीं बताया, ही सेड माय नेम इज आज़ाद. He told that his father's name was Freedom. उनके फादर का नेम क्या? Freedom. And when they asked about his residence, where do you stay? और आप कहाँ रहते हो? He said prison, जेल में. After that he became popular as Azad.
उसके बाद हमने उनको आज़ाद बोलना शुरू किया कि जब उनको नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नेम आज़ाद ही बताया था। ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी स्टेशन। जो काकोरी रॉबरी हुई वो रॉबरी में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। 40 रिवोल्यूशनरीज जो थे वो अरेस्ट हो गए, बट आज़ाद जो थे वो एस्केप होने में सक्सेसफुल हो गए, मतलब ही मैनेज्ड टू एस्केप, मतलब वो वहाँ से भाग गए, वो पुलिस के हाथों में नहीं आए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द बाउंटी टू कैच हिम। बाउंटी का मीनिंग तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, किसके ऊपर थी? वासुदेव बलवंत फड़के, उनको वांटेड डिक्लेयर करके उनके ऊपर 4000 का प्राइस रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था। यहाँ पर इनके ऊपर भी रिवॉर्ड अनाउंस किया गया टू कैच हिम। आज़ाद हैड टेकन अ वाव टू नॉट टू बी कॉच अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी। आज़ाद ने वॉली वो मीन्स ऑथ ली कि वो कभी भी ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी के हाथों अलाइव तो नहीं आएंगे, मतलब जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। ऑन 27 फरवरी 1931 उनका बर्थ जो है वो 1906 में हुआ था, और 1931 हाउ मैनी ईयर्स? 26 ईयर्स, ओके, एट द एज ऑफ 26 ऑन 27 फरवरी 1931 CE में आज़ाद जो है ही वॉज सराउंडेड बाई द ब्रिटिश पुलिस इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ अलाहाबाद। अलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर जब वो थे तो ब्रिटिश पुलिस ने उनको सराउंडेड कर लिया, मीन्स के चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद पुट अप अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडेडली एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ। आज़ाद जो थे वो अकेले वहाँ पर थे और अकेले उन्होंने ब्रेवली ब्रिटिश पुलिस से फाइट की, सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले फाइट की। एंड देन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास सिर्फ एक ही बुलेट है, अब उनके पास एक्स्ट्रा बुलेट नहीं है, सिंगल बुलेट उनके पास बची है, तो उन्होंने पकड़े जाने से बेटर अपने आप को मार देना ज़्यादा ज़रूरी अच्छा समझा, एंड ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार दी। इट इज़ सेड दैट द पुलिस वॉज सो स्कैर्ड ऑफ आज़ाद दैट दे शॉट 2-3 बुलेट्स इन टू हिज बॉडी टू कन्फर्म हिज डेथ बिफोर दे स्टेप्ड क्लोजर टू हिम। आज़ाद ने खुद अपने आप को शूट कर दिया, ही कमिटेड, ही वॉलंटरीली बिकेम मार्टियर आफ्टर दैट ऑल्सो। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश पुलिस जो थी वो चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी स्कैर्ड थी, इतनी डरी हुई थी कि उनकी डेड बॉडी के पास जाने से पहले भी उन्होंने उनकी डेड बॉडी को भी 2-3 बुलेट्स शूट की कंफर्म करने के लिए कि वो सच में डाइड हो चुके हैं या नहीं। दैट वॉज द फियर एंड दैट वॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वॉज चंद्रशेखर। ऐसी पर्सनैलिटी चंद्रशेखर आज़ाद थे कि जिनसे ब्रिटिश पुलिस डरती थी, उनके क्लोज जाने से पहले भी उन्होंने डेड बॉडी को भी 2-3 बुलेट्स मारी, ये सोच करके कहीं बाई चांस अगर जिंदा हुए और हम क्लोज चले गए और हम पर अटैक किया तो पुलिस वाले कितने सारे होंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद ओनली वन थे, फिर भी ये डर था। नाउ थिंग्स टू नो, द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी वॉज गोइंग फ्रॉम सहारनपुर टू लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925 में जो ट्रेन थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ट्रेजरी थी वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ऑन द वे एट काकोरी स्टेशन द ट्रेन वॉज रॉब्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज। जब ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, जा रही थी, तो उसमें काकोरी स्टेशन आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल भी इन्वॉल्व थे, अशफाकुल्ला खान भी इन्वॉल्व थे, एंड चंद्रशेखर आज़ाद भी इन्वॉल्व थे।
तो काकोरी स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वो ट्रेन को रॉब किया। देयर मेन गोल वॉज टू कलेक्ट मनी फॉर वेपन्स एंड अदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। एज आई एक्सप्लेन यू कि उनका मेन गोल क्या था टू रॉब द ट्रेन, वॉट वॉज द मेन गोल? द मेन गोल वॉज टू कलेक्ट मनी फॉर द वेपन्स, वेपन्स के लिए मनी कलेक्ट करना एंड अदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी लोगों तक पहुँचना, उनको अवेयर करना, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो फीलिंग को अराइज करना, वो एक्टिविटीज़ के लिए भी मनी नेसेसरी थी एंड फॉर दैट दे रॉब ट्रेन। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज भगत सिंह। वी ऑल नो हिम ऑल्सो, भगत सिंह को भी हम सब लोग जानते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन बांगा विलेज ऑफ लियालपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। शहीद भगत सिंह जो थे वो 1907 में 28 सितंबर को पंजाब की लियालपुर डिस्ट्रिक्ट का जो बांगा विलेज है वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। ही स्टडीड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड वॉज अट्रैक्टेड टू एनार्चिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज। कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी एंड एनार्चिस्ट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी की जो मूवमेंट्स होती है उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उससे वो अट्रैक्ट हुए। उन्होंने यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी, यूरोप के अंदर जो मूवमेंट होती थी, रिवोल्यूशनरी का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सो यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी उसको उन्होंने स्टडी किया एंड मार्क्सिस्ट एंड एनार्चिस्ट आइडियोलॉजी जो है उससे वो अट्रैक्ट हुए, मतलब वो इंस्पायर हुए उससे एंड ही बिकेम इन्वॉल्वड इन न्यूमरस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्विकली रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू बिकम वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उनके एक मेन लीडर भगत सिंह बने। वो इतनी सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, बहुत ही छोटी सी एज में उनकी भी डेथ हो गई थी। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने ब्रेवली फाइट करके 26 की एज पर मार्टियरडॉम जो है वो एक्सेप्ट किया, द सेम वे भगत सिंह जो थे उनकी भी एज बहुत ही छोटी थी बट देन टू उन्होंने इतनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह वो भी ऐसे रिवॉल्यूशनरी बने कि छोटी सी एज में डेथ होने के बाद भी आज तक हम लोग उन्हें जानते हैं, वी नो देम। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम उनको नहीं भूलते हैं, उनके नेम हम सबको मालूम है। इतनी जल्दी वो फेमस हो गए कि वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक लीडर बने। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव भगवत चारण एंड यशपाल वाइल ही स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज। जब वो लाहौर नेशनल कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तब वो कॉन्टैक्ट में आए सुखदेव के, भगवत चारण एंड यशपाल से मिले। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ये दोनों ही पर्सन थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंटर में बॉम्ब थ्रू किया। उन्होंने बॉम्ब थ्रू किया ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं था, मीन्स के उनका मेन मोटिव, मेन गोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर्न करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन लेना था कि नाउ इंडियन पीपल दे आर ऑल्सो बिकम एक्टिव, वो भी एक्टिव बने हैं एंड दे वॉन्ट फ्रीडम। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अटेंशन के लिए उन्होंने बॉम्ब थ्रू किया था एंड दैट्स वाई उन्होंने ऐसे बॉम्ब थ्रू किया ऐसी जगह पर के जहाँ पर किसी को भी कोई भी हार्म ना हो। एंड दे थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1928। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन लेना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हो
कि इंडियन पीपल भी अवेयर है और वो भी यूनाइटेडली वर्क कर सकते हैं. दे कुड हैव एक्सेप्ट आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब बट दे स्टूड देयर एंड शाउटेड स्लोगन्स. वो वहाँ से एस्केप हो सकते थे, भाग सकते थे, बट वो भागे नहीं. लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, वो आराम से वहाँ से एस्केप हो सकते थे, भाग सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे, बट दे डिंट. वो भागे नहीं, दे स्टूड देयर. वो वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने स्लोगन शाउट किए जो हम लोग करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो. साम्राज्यवाद का नाश हो मतलब कि जो सिस्टम चल रही है कि जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है, डेमोक्रेसी नहीं है, उसका नाश हो. दुनिया के मजदूर एक हो, मीन्स के वर्ल्ड के जो लेबरर्स है वो सब एक साथ हो, यूनाइटेड हो. दे डिस्पर्स द पैम्पलेट्स विथ अ रिवोल्यूशनरी मैसेज. उन्होंने पैम्पलेट्स डिस्पर्स किए मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जिसके अंदर रिवोल्यूशनरी मैसेजेस थे, लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेजेस थे. फायर शॉट इन द एयर, उन्होंने एयर में शूट किया उनके अटेंशन के लिए कि हमारे पास भी वेपन्स है, लड़ना हम भी जानते हैं और मारना हमें भी आता है. एंड देन सरेंडर्ड देमसेल्व्स पीसफुली, और पीसफुली सरेंडर भी कर दिया. ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू अरेस्ट यू कैन. हमारा काम था आपको वॉर्न करना, आपका अटेंशन वो हो गया. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, दे ट्रायो किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सौंदर्स टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय. नाउ चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ चुके कि लाठी चार्ज जो था चैप्टर 7 एंड 10 में, कि पंजाब में जब सिमोन कमीशन को अपोज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया सिमोन कमीशन को, उस टाइम पर लाठी चार्ज किया गया और वो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो थे वो बैडली हर्ट हुए, इंजर्ड हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड. सो टू टेक दैट एवेंज, एवेंज मीन्स रिवेंज, उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर सौंदर्स जो थे उनको किल किया, उनका मर्डर किया. एंड फॉर दैट द ट्रायो वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931, और इसलिए 23 मार्च 1931 में ये तीनों को एक साथ फांसी दी गई. भगत सिंह के वर्ड थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी. मतलब इफ आई विल डाई देन टू द लव फॉर माई नेशन, द पैशन फॉर माई कंट्री, इट विल नॉट गो एनीवेयर. इवन फ्रॉम द माई एशिस, मेरी जो मिट्टी है मतलब कि मेरी डेड बॉडी जो है उसकी जो एशिस होगी उसमें से भी मेरी जो मिट्टी है, मेरी जो कंट्री है, उसका जो कंट्री के लिए मेरा जो लव है उसी की खुशबू आएगी. दैट मीन्स कि तुम मार कर भी मुझे मेरी कंट्री से अलग नहीं कर सकते. एंड इन दिस और इन दैट मेमोरी, ये ट्रायो को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये ट्रायो को जो फांसी दी गई उस दिन को हम लोग एज अ शहीद दिन, एज अ मार्टियर डे सेलिब्रेट करते हैं, डिक्लेयर किया गया है. नाउ श्याम जी कृष्ण वर्मा. श्याम जी कृष्ण वर्मा वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ. श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे उनका बर्थ 4 अक्टूबर 1857 में कच्छ जो गुजरात में है उसके मांडवी विलेज में हुआ था. ही वॉज द पायोनियर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन अब्रॉड. अब्रॉड मीन्स फॉरेन लैंड जो है वहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के पायोनियर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी. ग्रेजुएटेड मीन्स के कॉलेज का जो एजुकेशन था वो उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से लिया था. एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी जो लंदन में एस्टैब्लिश की गई उसमें उन्होंने वाइटल मीन्स मेजर रोल प्ले किया था. इंडियन होम रूल सोसाइटी इट वॉज एस्टैब्लिश इन लंदन ऑन 18 फरवरी 1905, जिसकी ऑफिस उनके घर में ही थी.
एंड इट वॉज गिवन द नेम इंडिया हाउस. उनके घर में ही इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी उसकी ऑफिस बनाई गई और उन्होंने अपने घर को ही नेम दे दिया इंडिया हाउस. फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन ही स्टार्टेड अ मैगजीन एंटाइटल्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन जो इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टेब्लिश की थी उसको प्रोपोगेट करने के लोगों के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मैगजीन स्टार्ट की जिसका नेम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट. श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो एसोसिएटेड मीन्स उनके साथ एक इनके विनायक सावरकर वीर सावरकर लाला हरदयाल मदन लाल धिंगरा सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा. ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती थी वो एक्टिविटीज़ में ये उन सब के साथ थे. इंडियन पीपल जो थे इंडियन स्टूडेंट्स उनके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप भी अरेंज की. मदन लाल धिंगरा शॉट डेड सर विलियम वैली नियर ट्रेफलगर स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हंग टू डेथ. मदन लाल धिंगरा जो थे उन्होंने सर विलियम वैली को शूट किया मीन्स के उनको किल किया कहाँ पर लंदन में ट्रेफलगर स्क्वायर है वहाँ पर और इसके लिए उनको फांसी दी गई. फीलिंग अनसेफ इन लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा को लगा कि लंदन में रहना सेफ नहीं है एंड दैट्स वाई ही शिफ्टेड टू पेरिस. बट आफ्टर सम टाइम वो पेरिस से शिफ्ट होकर स्विट्जरलैंड चले गए एंड इन 1930 ही डाइड. 1930 में उनकी डेथ हो गई. नाउ थिंग्स टू नो द अर्न्स ऑफ एशिस ऑफ श्यामजी एंड हिज वाइफ भानुमती वर ब्रॉट टू इंडिया ऑन 4th सितंबर 2003 एट मांडवी कच्छ. अर्न्स मतलब उनकी जो एशिस जो पॉट के अंदर रखी जाती है. आप लोगों को पता है कि हिंदुज़म में किसी की डेथ होती है उसके बाद उनको बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद उनकी जो एशिस है उसको वो कॉपर का या उसका जो पॉट होता है उसके अंदर रखा जाता है एंड देन गंगा के वाटर में फ्लो किया जाता है. तो वो जो अर्न्स थी एशिस का जो अर्न था श्यामजी कृष्ण वर्मा का एंड अनदर फॉर हिज वाइफ उनकी वाइफ का जो उन दोनों की एशिस को 4th सितंबर 2003 में मांडवी लाया गया एंड अ मेमोरियल कॉल्ड क्रांति तीर्थ डेडिकेटेड टू हिम वॉज बिल्ट एंड इनोग्रेटेड इन 2010 नियर मांडवी. और 2010 में मांडवी के पास मेमोरियल बिल्ट किया गया जिसका नेम है क्रांति तीर्थ जिसका इनोग्रेशन मीन्स ओपनिंग 2010 में हुआ. फुल स्केल रेप्लिका ऑफ इंडिया हाउस एंड गैलरीज डेडिकेटेड टू अर्लियर एक्टिविस्ट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड द अर्न्स कंटेनिंग एशिस आर केप्ट देयर. फुल स्केल रेप्लिका रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी. इंडिया हाउस की जो कॉपीज एंड गैलरीज जो है वो डेडिकेटेड थी. डेडिकेटेड का मतलब हम लोग जानते हैं उनको ऑफर करना उनको समर्पित करना. तो अर्लियर एक्टिविस्ट जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की उनको डेडिकेटेड थी एंड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड और वहीं पर ये जो अर्न्स थे जिसके अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड उनकी वाइफ भानुमती के एशिस जो थे वो एशिस के अर्न्स वहाँ पर रखे गए. द अर्न्स वर ट्रैवल्ड थ्रू आउट गुजरात टू पे देम ड्यू होमेज. उनको होमेज उनको वेलकम उनको ऑनर देने के लिए ये जो अर्न्स है जो पॉट थे जिसके अंदर एशिस थी वो पूरे गुजरात में ट्रैवल करवाए गए पूरे गुजरात में घुमाए गए. एंड द लास्ट वन दैट इज मैडम कामा. मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24th सितंबर 1861 इन मुंबई एंड शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1907. मैडम कामा जो है वो बॉम्बे में उनका बर्थ हुआ था और वो 1902 टू 1907 फाइव ईयर्स तक वो लंदन में रही. इन 1905 CE शी वॉज एन एसोसिएटेड ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा इन एस्टेब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी.
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैब्लिश की उसमें मैडम कामा ने भी उनको सपोर्ट किया. शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुअर्टगार्ट ऑफ जर्मनी इन 1907. मैडम भिखारी जी कामा जो थे वो सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई, कॉन्फ्रेंस मीन्स के मीटिंग के, जहाँ पर सोशलिस्ट मीन्स सारे ही कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो प्रेजेंट थे, वो उन्होंने भी अटेंड की. और कॉन्फ्रेंस जो है वो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में थी, जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसे अनफोल्ड किया विद द स्लोगन वंदे मातरम. सो विद दैट वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर ओवर हियर. हमारा जो फ्लैग अनफोल्ड किया मैडम कामा ने, उसमें 8 लोटस फ्लावर रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंस, उसके अंदर 8 लोटस फ्लावर्स थे जो 8 प्रोविंस जो थे उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे. द सन एंड द मून हैड बीन डिस्प्लेड एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सन एंड मून हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्प्ले कर रहे थे. वाई सन एंड मून? बिकॉज हिंदू पीपल जो है वो सन को वर्शिप करते हैं एज अ सन गॉड, एंड मुस्लिम पीपल जो उनका जो सिंबल आपने देखा होगा तो उसमें स्टार एंड मून होता है, तो उसकी यूनिटी को शो करने के लिए वो फ्लैग के अंदर सन एंड मून भी थे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. हियर वी आर फिनिशिंग आवर चैप्टर एंड लेक्चर बोथ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन ऑनलाइन लेक्चर. I hope you understand everything. Thank you all.